जय हिंद दोस्तों, इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन निकल के आया है वो किसके रिगार्डिंग में पूछा गया है, आरटीजी के रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि आप इसको उससे केमिस्ट्री से भी लेके चल सकते हो और जियोग्राफी से भी लेकर के चल सकते हो। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास तीन स्टेटमेंट दिया गया है किसके रिगार्डिंग में, आर टीजी के रिगार्डिंग में। यानी कि आपको विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर के संदर्भ में जो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं उन तीनों पे आपको विचार करना था और उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताने थे। जैसे कि पहला स्टेटमेंट जो कहता है, पहला जो हमारे पास कथन दिया गया है वो क्या दिया गया है कि आर टी जी एस लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है आरटीजीएस का जो प्रयोग है वो यानी कि अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों के विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि आरटीजीएस में प्लैटिनम 238 का उपयोग किया जा सकता है जो सशस्त्र विकास का एक उत्पादक है। अब इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो ऑप्शन ए था ओनली केवल एक और दो, ऑप्शन बी था दो और तीन, और ऑप्शन सी था एक और तीन, और ऑप्शन डी था एक दो तीन। यही क्वेश्चन हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ रिएक्टर स्टॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट्स आरटीजीएस आर मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर, सेकंड स्टेटमेंट्स आर आरटीजीएस आर यूज्ड फॉर अ पावरिंग ऑन द अबोर्ड सिस्टम ऑफ स्पेसक्राफ्ट, थर्ड स्टेटमेंट आर आरटीजीएस कैन यूज प्लूटोनियम 238 व्हिच आर बाय द प्रोडक्ट ऑफ वेपन्स डेवलपमेंट, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, एंड ऑप्शन डी 1 2 एंड 3। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3। व्हाई? फर्स्ट स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यानी कि अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं वो इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि अगर हम आरटीजी की बात करते हैं तो वो हमारा मिनिएचर फ्यूजन नहीं है। इस वजह से हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट बन जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव, ये क्या करता है, पेंटेनम 238 का यूज़ करता है हीट जनरेट करने के लिए और इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक के लिए, जिसका यूज़ हम किस में करते हैं, थर्मो कॉपल्स के लिए यूज़ करते हैं, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है और बाकी हमारा दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे बुक्स, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।